हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एमिटोमैटिक माना। चले सबके साथ और रहे सबसे आगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित किया जाने वाला क्लर्कशिप्स का प्रमोशन स्कोप कितना दूर तक होता है और सैलरी एंट्री लेवल पर कितना होता है उसके बारे में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं वेस्ट बंगाल क्लर्कशिप एग्जामिनेशंस होता क्या है, इसका पोस्टिंग कहां पर होता है। वेस्ट बंगाल पीएससी क्लर्कशिप एग्जामिनेशंस इज बीइंग कंडक्टेड टू रिक्रूट कैंडिडेट्स टू द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क्स इन सेक्रेटरिएट, डायरेक्टोरेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस इन वेस्ट बंगाल। कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द वैकेंसीज इन द सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टोरेट्स एंड रीजनल ऑफिसेस इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस ऑफ वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता। यानी कि पश्चिम बंगाल पीएससी क्लर्कशिप पश्चिम बंगाल में सचिवालय, निदेशालय और जिला कार्यालय में लोअर डिवीजन असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को सचिवालय विभाग, निदेशालय और कोलकाता के एक विशेष जिले के जिला कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय में रिक्तियों के लिए वरीयता क्रम में अपने विकल्प को इंगित करने की आवश्यकता होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं क्लर्कशिप्स में क्वालिफिकेशन कितना जरूरी होता है। क्वालिफिकेशन होता है पास्ट इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, एलिमेंटरी नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशंस विद द एबिलिटी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर द स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 10 वर्ड्स पर मिनट इन बंगाली। यानी कि आपको माध्यमिक एग्जाम्स पास्ट चाहिए पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके इक्विवेलेंट से, या तो कंप्यूटर संचालन में प्रारंभिक ज्ञान अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट या बंगाली में 10 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइप करने की क्षमता के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाई मेनी पीपल चूज पीएससी क्लर्कशिप्स इंस्टेड ऑफ पीएससी मिसेलेनियस सर्विस। द रीजन इज प्रोमोशन स्कोप। द प्रोमोशन स्कोप इन पीएससी क्लर्कशिप इज बेटर देन द पीएससी मिसेलेनियस सर्विस, पर्टिकुलरली इन द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन असिस्टेंट। देयर इज स्कोप टू प्रोमोट लोअर डिवीजन असिस्टेंट अप टू ज्वाइंट सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 30 टू 32 ईयर्स ऑफ सर्विस इन पीएससी क्लर्कशिप्स। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट द सैलरी ऑफ एन लोअर डिवीजन असिस्टेंट वुड बी नियरली 1,50,000 टू 1,60,000 पर मंथ। ओनली मेरिट कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर द लोअर डिवीजन असिस्टेंट पोस्ट अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, अदर्स आर सेलेक्टेड एज LDC। यानी कि बहुत से लोग हैं जो पीएससी मिसेलेनियस सर्विस के बजाय पीएससी क्लर्कशिप चुनते हैं। कारण पीएससी क्लर्कशिप में प्रमोशन का दायरा पीएससी मिसेलेनियस सर्विस से बेहतर है, विशेष रूप से लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पद में 30 से 32 वर्ष की आयु में LDA को संयुक्त सचिव तक प्रमोशन करने की गुंजाइश है। पीएससी क्लर्कशिप में सेवानिवृत्ति की उम्र में LDA का वेतन लगभग 1,50,000 से 1,60,000 प्रति महीना होता है। LDA पदों के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, रिक्तियों के अनुसार अन्य को LDC के रूप में चुना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं LDC और LDA पोस्ट में आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दिया जाता है। एक होता है सेक्रेटरिएट, एक होता है डायरेक्टोरेट और एक होता है रीजनल। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल LDC के प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल LDC में आपको लोअर डिवीजन क्लर्क के पद में फर्स्ट दिया जाता है, जिसका पे लेवल रहता है 6 WBSS यानी कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस। उसके बाद आपको 5-6 साल लगता है अपर डिवीजन क्लर्क में जाने को। लोअर डिवीजन क्लर्क के बाद आपको अपर डिवीजन क्लर्क में पोस्टिंग दिया जाता है, जिसका पे लेवल रहता है 9 WBSS यानी कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस। अपर डिवीजन क्लर्क के ऊपर अगर आपको प्रोमोट किया जाता है उसके लिए आपको 10 से 15 साल लगता है। तो दोस्तों, अपर डिवीजन क्लर्क के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है हेड क्लर्क के रूप में, जिसका पे लेवल रहता है 10 वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस के हिसाब से। हेड क्लर्क के ऊपर है सुपरवाइजरी हेड क्लर्क, उसके लिए आपको 10 इयर्स लगता है प्रोमोट होने में सुपरवाइजरी हेड क्लर्क में, जिसका पे लेवल रहता है 10A। सुपरवाइजरी हेड क्लर्क में आपको डायरेक्टोरेट्स या तो रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग दिया जाता है। तो दोस्तों, सुपरवाइजरी हेड क्लर्क के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के हिसाब से
जो कि होता है WBCS कैडर का, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस कैडर का, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद और 5-6 साल बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है डेप्यूटी डायरेक्टर के पद में, और ये भी होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज कैडर का। डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर के पद में, और ये भी होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का कैडर का। और 5-6 साल बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है ज्वाइंट डायरेक्टर के पद में, जो होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस कैडर का, और उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, और ये भी WBCS कैडर का, और उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर जो कि है WBCS कैडर का, और उसके बाद डायरेक्टर जो कि है IAS कैडर का। स्पेशल डायरेक्टर के बाद आपको जो पोस्टिंग दिया जाता है होता है डायरेक्टर जो कि है IAS कैडर का। IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो LDC में आप सबसे ऊपर डायरेक्टर के पोस्ट में जा सकते हैं, इसीलिए PSC मिशनरी सर्विस से ज्यादा PSC क्लर्कशिप्स को ज्यादा कैंडिडेट प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं LDA के प्रमोशन के बारे में। LDA का फुल फॉर्म है लोअर डिवीजन असिस्टेंट। LDA में आपको सबसे पहले लोअर डिवीजन असिस्टेंट का पद दिया जाता है जो कि होता है WBSS पे लेवल 6। WBSS का फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस। लोअर डिवीजन असिस्टेंट के बाद आपको अपर डिवीजन असिस्टेंट में जाने के लिए 4 साल लग जाता है, 4 years टू प्रमोट टू द नेक्स्ट लेवल इन अपर डिवीजन असिस्टेंट। अपर डिवीजन असिस्टेंट का पे लेवल है 9 जो कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस के दायरे में आता है। और दोस्तों अपर डिवीजन असिस्टेंट से आपको हेड असिस्टेंट प्रमोट किया जाता है 10 साल या तो 15 साल बाद। अपर डिवीजन असिस्टेंट जो कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस के दायरे में, इसका पे लेवल रहता है 9, और उसके बाद हेड असिस्टेंट जिसका पे लेवल रहता है 10C। हेड असिस्टेंट से आपको प्रमोट किया जाता है सेक्शन ऑफिसर में, उसके लिए आपको 3 साल लग जाता है। हेड असिस्टेंट का पे लेवल रहता है 10C और सेक्शन ऑफिस के पे लेवल रहता है जो कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस के दायरे में रहता है, सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल है 15। तो दोस्तों सेक्शन ऑफिसर के बाद आपको प्रमोट किया जाता है OST यानी कि रजिस्ट्रार के रूप में, उसके लिए भी 3 साल लग जाता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाता है असिस्टेंट सेक्रेटरी के हिसाब से, उसके लिए आपको 3 साल इंतजार करना पड़ता है, यानी कि रजिस्टर के बाद आपको 3 साल लगता है प्रमोट होने में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद में। असिस्टेंट सेक्रेटरी का पे लेवल रहता है 16A जो कि वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस के दायरे में आता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के बाद आपको प्रमोट किया जाता है डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद में जो कि WBCS और WBSS दोनों की ही दायरे में आता है। WBCS का फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस और WBSS का फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस। डिप्यूटी सेक्रेटरी के बाद आपको प्रमोट किया जाता है सीनियर डिप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में जो कि WBCS और WBSS दोनों की ही दायरे में आता है। सीनियर डिप्यूटी सेक्रेटरी का पे लेवल रहता है 19। उसके बाद आपको 3 साल लगता है ज्वाइंट सेक्रेटरी में प्रमोट होने में। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पे लेवल रहता है 21। तो दोस्तों ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस और वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस दोनों की दायरे में आता है, उसका पे लेवल रहता है 21। उसके बाद आपको 3 से 5 साल लगता है एडिशनल सेक्रेटरी में प्रमोट होने में। एडिशनल सेक्रेटरी जो कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस कैडर का है, इसके बाद आपको और 3 साल लग जाता है स्पेशल सेक्रेटरी पद में प्रमोट होने के लिए जिसका कैडर है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। और स्पेशल सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी में जाने के लिए आपको और 5-6 साल लग जाता है, और सेक्रेटरी का कैडर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो दोस्तों LDA में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी तक ही प्रमोट होने का फायदा मिलता है, इसीलिए ज़्यादातर कैंडिडेट PSC मिसलेनियस सर्विस के बजाय PSC क्लर्कशिप चुनते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। LDC LDA में पे लेवल रहता है 6 और बेसिक पे जो कि है 22,700। हाउस रेंट अलाउंस 12% ऑफ द बेसिक पे यानी कि 2,724 और DA यानी कि डियरनेस अलाउंस 681 जो कि होता है 3% जो कि अनाउंस हुआ है जनवरी 2021 से। मेडिकल अलाउंस रहता है 500 रुपीज। सो न्यू ग्रॉस सैलरी विल बी बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA प्लस मेडिकल अलाउंस 26,605 विदाउट इंक्रीमेंट। डिडक्शन होता है GPF यानी कि प्रोविडेंट फंड से 1,362 एंड टैक्स रहता है 150 रुपीज़।
सो आफ्टर डिडक्शन इन हैंड सैलरी विल बी 25,900 अप्रोक्स। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उसमें से क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पीएफ से रिलेटेड कोई क्वेरी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।